क्वेश्चन नंबर 111, जोहार परियोजना का लक्ष्य कब तक करना निर्धारित है? तो 2023 तक। तो मतलब देखिए, जोहार परियोजना 2017 में लाया गया, कंप्लीट करना 2023, मतलब 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। 17 जिलों में वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है जोहार प्रोजेक्ट। वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड हैं? ठीक है, तो 267 याद रखोगे। अगर क्लास की बात करोगे तो मैंने 264 बताया है, और लेटेस्ट कुछ बढ़े हैं तो 267। तो झारखंड में कितने ब्लॉक, प्रखंड बोले तो ब्लॉक 267। राज्य के किस जिले में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी? स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना खुट्टी, स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना खुट्टी, याद रखने का काम करेंगे, क्या होगा जी? खुट्टी। तो स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना खुट्टी, क्लियर। कहा जा रहा है किस वर्ष को झारखंड में निरोग बाल वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 2018 निरोग बाल वर्ष के रूप में मनाया गया, 2018 निरोग बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक को कब मंजूरी दी गई? झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक को कब मंजूरी दी गई? तो 2017 में, याद रखिए 2017 झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक को कब मंजूरी दी गई? तो 2017 को दी गई। 2017 का कुछ और भी याद रख सकते हैं, जोहार प्रोजेक्ट, ठीक है। झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 के तहत जबरन धर्मांतरण पर कितने वर्ष के जेल की सजा होगी? कितने जेल की सजा होगी? तो 2 साल। याद रखिए, अगर जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन किसी का करवाते हैं तो 2 साल की जेल होगी। राज्य में कहा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो रांची। राज्य में कब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो 12 जनवरी 2018 याद रखोगे, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट 12 जनवरी 2018, ठीक है, 12 जनवरी 2018। चायबासा की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? चायबासा की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? बसंती गोप को, याद रखिए, चायबासा की मदर टेरेसा बसंती गोप। निम्न से कौन झारखंड तीरअंदाजी संघ का अध्यक्ष है? तो झारखंड तीरअंदाजी संघ का अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट।